प्रदेश भर में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सभी शालाओं में माध्यान्ह भोजन परोसा जाता है, मगर कुछ समय से इन योजनाओं में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। वहीं मांग को लेकर महिलाएं हड़ताल कर रही हैं। पार्वती पटेल ने कहा कि हमारी सभी बहनों की 12 मांगे हैं और उनको पूरा किया जाए, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। वहीं समूह संघ की महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की बात कही है। मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है तो उसको उसमें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। उसमें पहला रसोईया को 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, तो बहुत कम है, उनका मानदेय बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाए। और दूसरा ये है कि बच्चों को जो सब्जी बनाने के लिए राशि प्राप्त होती है वो प्राथमिक शाला में 5 रुपये 45 पैसे है, जो बहुत कम है, और माध्यमिक शाला में 8 रुपये 17 पैसे की दर से राशि प्राप्त होती है, तो उसका मानदेय बढ़ाकर 15 रुपये किया जाए। हमने ये विज्ञापन दिया है जो हमारे 12 सूत्रीय मांगे हैं उसको पूरी की जाए। जो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी के रसोईया है उनको 500 रुपये मिलता है, 500 रुपये बहुत कम होते हैं, पूर्ति तो उसको बढ़ाया जाए। और जो 2000 जो माध्यमिक प्राथमिक शाला में जो 2000 रुपये मिलते हैं रसोइयों को, उसको कम से कम 6000 रुपये दिया जाए। स्व सहायता समूह महासंघ द्वारा इसके संबंध में कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया।